और मुक्ताई नगर है महाराष्ट्र के जलगांव में, एक तालुका प्लेस है जिसका नाम है मुक्ताई नगर, जो मेरे नानू का शहर है। और अभी धूप बहुत छुप रही है तो चलो बाय। और धूप के वजह से जलगांव को क्या कहते हैं, सन सिटी और हॉट सिटी। सन सिटी ऑफ हॉट सिटी, और उसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। तो चलो चलते हैं, अभी आज हम लोग बहुत सारी जगह आपको घुमाएंगे। और अभी तो मुझे आंखों पे बहुत धूप छुप रही थी इसलिए आंखें बंद चालू हो रहे थे। तो चलिए मिलते हैं आपको 2-3 सेकंड के बाद। हाय, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मुक्ताई नगर और आज मैं आपको लेके चलूंगी मुक्ताई बाई के मंदिर में। लेट्स गो। इतना वॉकिंग नानू रोज करते, क्या भी हो जाए, बारिश कुछ भी, तूफान, दुनिया इधर की उधर होती है। नगर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे है मुक्ताबाई मंदिर, इसके वजह से। और ये जो नया वाला मंदिर है, पुराना वाला मंदिर हम लोग बाद में लेके। फाइनली हम लोग मुक्ताबाई के मंदिर में पहुंच गए। श्री क्षेत्र मुक्ताई नगर ये जलगांव में है और महाराष्ट्र का प्रमुख संत पीठ है, शक्तिपीठ है, मुक्ताबाई का मंदिर है। परम ये पुरातन सर्वश्रेष्ठ है। मुक्ताबाई ज्ञानेश्वर की बहन थी चांगदेव, उनका वह 1400 साल है। पहले इदलाबाद नाम था, उसके बाद में आदिल शाह के टाइम से बदलते बदलते इदलाबाद हुआ और इदलाबाद के बाद में तो ये है मंदिर का प्रमाइसेस। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सिटिंग एरिया भी प्रोवाइड किए इन्होंने। अगर आपको बैठना है बेंचेस, यहाँ पे आप डब्बे खा सकते हो, टिफिन खा सकते हो, तो अच्छा बना है प्रमाइसेस। ये भी मुक्ताबाई का मंदिर है, तो दो दो मंदिर है। ये दराबा है जो मुक्ताबाई के मंदिर का प्रसाद है और ये सिर्फ मुक्ताबाई के मंदिर में ही मिलता है। नानू मुझे बता रहे थे ये है पूर्णा नदी। और देखिए नदी कितनी बड़ी है। कभी कभी अगर आपको माइंड को शांति पीस देना है ना, तो भी आप सी को देख सकते हैं। एक्चुअली इसको सी बोल सकते हैं ना, आई डोंट नो, तो इसलिए रिवर। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, आई लव इट। फ्रेंड्स, ये है जूना मुक्ता बाई का मंदिर। आपको तो बहुत 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 साल पहले 1959 में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी जिससे ये बह गया था उसमें। बट जो इसलिए नया मुक्ताबाई मंदिर बना था, नया मुक्ताबाई मैंने दिखा है ना, इसलिए वो बना और इसका भी कंस्ट्रक्शन चालू है। तो इसलिए ये स्टोरी नानू ने बताई है हमारी। बोटिंग भी है बट कोरोना की वजह से बंद था, तो चलिए चलते हैं।
तो यहाँ पे देखिए स्विमिंग पूल भी है, नल से स्विमिंग पानी पानी आके वो बह रहा, बहुत सारा पानी था, पानी बहुत ठंडा था, बट बिकॉज ऑफ करोना मुझे बहुत इच्छा हुई, बट बिकॉज ऑफ करोना मैं नहीं कर पाई, नेक्स्ट टाइम करूँगी। मंदिर देखे, जो भी पूजा का सामान रहता है ना, ये यहाँ से ही जाता है, और ये है हमारे अकबर नानू। हाय बोलो सब लोग, हाय बोलो, हाय हाय। तो ये है मुक्ताई नगर का जैन मंदिर, यहाँ पे वासु पूज्य दादा विराजित है। कॉटन के फार्म में, और कल इतनी तूफान की बारिश हुई, तो कॉटन तो बहुत ही हल्का होता है, तो पूरा मतलब पूरा नुकसान हो गया वहाँ पे। ये थोड़ा अच्छा कॉटन है, पूरा नुकसान हो गया। मतलब पहले अभी कोविड के वजह से जो गरीब लोग हैं उनको इतना पैसा मिल रहा नहीं है, और अभी बारिश आ गई तो उनका भी डबल का नुकसान होता है। तो आई विल प्रे फॉर दैट पीपल कि वो पुअर है, बट कोविड 19 की वजह से ये सब सिचुएशन आ गई, उनका बहुत लॉस हो रहा है, और अभी इतना लॉस हुआ उनका, प्रे उनका अच्छा मतलब अभी अच्छा शुरू हो जाए, अच्छा कॉटन उगे सब हो। और अभी अपन लोग अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये कॉटन पक गया है, कॉटन पूरा ले लेते हैं, बस इतना ही निकाल, ज्यादा मत निकालने का नहीं। बट तो देखिए कितने सारे मंकीज आए, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपको पता ही क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जल्दी से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टुगेदर, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।